प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दो दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई, पीठ का गठन करेगी शीर्ष अदालत। गुजरात चुनाव के लिए सपा ने स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट, पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 11 नेताओं की सूची की जारी। राजधानी में फिर बढ़े डेंगू के मामले, बीते 24 घंटे में 45 नए मामले आए सामने, 5 लोगों की मौत। एक बार फिर टाइगर के हमले से थर्राया लखीमपुर, 12 वर्षीय किशोर को बनाया निवाला। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर हैं, जहां सीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सिग्रा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में पीएम के व्यक्तित्व पर आधारित 7 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और वह भाजपा के चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद सुबह 11 बजे रविदास घाट पर जेटी के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यहां सभा को संबोधित करने के बाद दोपहर 12:15 पर विश्वनाथ धाम जाएंगे। विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद धाम परिसर से ही मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम पहुंचेंगे। वहां बड़े महाराज यमुनाचार्य सतुआ बाबा की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। यहां सीएम करीब 1.5 घंटे तक रहेंगे। शाम 5 बजे वह बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे, यहां से राजकीय विमान से लखनऊ जाएंगे। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन करेगी। दोपहर 3 बजे से उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई शुरू करेगा। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने गुरुवार को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि मामले में दिया गया संरक्षण का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इसके विस्तार की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम कल शुक्रवार को दोपहर 3 बजे एक पीठ का गठन करेंगे। हरदोई के सवाईजपुर तहसील इलाके में प्रधान और लेखपाल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ही आवासीय पट्टों में पैसा लेकर धार अनियमितता कर रहे हैं। पीड़िता रामरति ने बताया कि आपात्रों को आवासीय पट्टा आवंटित किया गया, लेकिन आवास मिलने के मामले में कुछ और ही खेल किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि जिसके पास आवास, ट्रैक्टर ट्रॉली, 4 पहिया वाहन, लाइसेंसी राइफल, बंदूक है, ऐसे लोगों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं जो कि आपात्र है। और अब आपात्रों को मकान मिलने पर ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। तो हमारे यहाँ कल जांच गई थी, तो जांच में जो तहसीलदार और लेखपाल गए थे, तो जांच की गई। इसके पहले भी हम एटीएम साहब को एप्लीकेशन दी, तो हम लोगों को कल जो जांच गई उसमें हम लोगों को जब जांच हुई तो जो पात्र थे उनको लिस्ट में नाम नहीं था, और जो अपात्र थे उनके नाम लिख के और जांच करके उन्हीं को बस जांच बंद कर दी गई। हमारा तो वही आया, डीएम को एप्लीकेशन दिया, हमें पता नहीं मिला जगह, हमारे नाता थे तो ना रही जगह है, और जिनके कानों तुमंजे तुमंजे मकान चौपहिया वाहन है तिनको पट्टा दे रहा है प्रधान, उनको नहीं दे रहा है। कब से दौड़ रही हो? अब दौड़े तो पहले वो अपने स्टेशन दे आ जो नहीं तैयार है। हेलो, जो आवासीय पट्टा हो रहे हैं
उसमें प्रधान प्रधानपति और लेखपाल जो हैं वर्तमान वो पैसा ले रहे हैं और सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए हैं जिनसे पैसा लिया है, गरीब लोगों का नाम नहीं शामिल किया जा रहा है और ऐसे लोगों के नाम शामिल किए जा रहे हैं जिनके पास काफ़ी कृषि योग्य भूमि है, कई कई पक्के मकान हैं, ट्रैक्टर ट्राली गाड़ी राइफल ये सब हैं और गरीब आदमियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। कल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्ष से जुड़ेंगे। हर्ष, इलाके के प्रधान और लेखपाल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, आवास में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? मयूरी, आपको बताते चलें, सवाईपुर तहसील में तहसील इलाके में प्रधान व लेखपाल पर आवासीय पट्टों में पैसा लेकर घोर अनियमितताएं बरतने का आरोप है, जिसमें पीड़िता रामरती ने बताया कि आपातों को आवासीय पट्टा आवंटित किया गया है जिनके पास आवास, ट्रैक्टर ट्राली, चार पहिया वाहन, लाइसेंसी राइफल, बंदूक है। ऐसे लोगों के नाम सूची में शामिल किए हैं जो कि अपात्र हैं। हरपालपुर ब्लॉक के मिर्गामा चौधरियापुर गांव में अपात्रों को आवासीय पट्टा आवंटित किया है, जिसको लेकर रामरती व अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है, जिसमें अपात्रों को आवासीय पट्टा आवंटित किए जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि जिन लोगों के पास कई दो मंजिल मकान, पक्के मकान है तथा कृषि योग्य काफी जमीन है, उनको ये आवासीय पट्टे दिए गए हैं। ऐसे लोगों के नाम सूची में शामिल किए हैं तथा भूमिहीन गरीब लोगों के नाम सूची में नहीं है, जिससे प्रधान पद मनोज द्विवेदी व हल्का लेखपाल द्वारा पैसा लेकर अपात्रों को आवासीय पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए। हरदोई के लोनार इलाके में निर्माणाधीन पानी की टंकी पर काम कराने का रुपया ना मिलने से ठेकेदार नाराज हो गया और नाराज होकर निर्माणाधीन टंकी के ऊपर चढ़ गया। ठेकेदार आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। हंगामे को बढ़ता हुआ देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ठेकेदार को 3 दिन में रुपए दिलाने का आश्वासन देकर नीचे उतरवा लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षराज हमसे जुड़ेंगे। हर्षराज, पैसे ना मिलने पर ठेकेदार नाराज हुआ जिसपे वो टंकी पे चढ़ गया, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बताते चले, लोनार इलाके में निर्माणाधीन पानी की टंकी पर कार्य करने का रुपए ना मिलने से ठेकेदार नाराज हो गया, जिससे वह निर्माणाधीन टंकी के ऊपर चढ़ गया। नाराज ठेकेदार आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। सूचना मिलने पर यह सब देखने के लिए ग्रामीण पहुंच गया, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने ठेकेदार को 3 दिन में रुपए दिलाने के आश्वासन दिए हैं। वह पुलिस ने समझाया बुझाया और नीचे उतारा। लोनार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरेला तिगाव में घर घर में पानी सप्लाई के लिए जल निगम की तरफ से टंकी बन रही है, आधे से ज्यादा निर्माण कार्य हो गया है। गुरुवार की दोपहर शाहजहांपुर निवासी ठेकेदार नीरज शर्मा पानी की टंकी पर चढ़ गया और सुसाइड करने की बात करने लगा। जानकारी मिलने पर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने समझा बुझा कर उसको नीचे उतारा। जी, धन्यवाद हर्षराज तमाम जानकारियों के लिए। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, साथ ही अब तक डेंगू से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गांव बजौता में लगातार फैल रहे डेंगू को लेकर बीते दिनों अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने अधिकारियों के साथ गांव बजौता का निरीक्षण किया था और अधिकारियों का बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए थे। इसी दौरान सांसद सतीश गौतम ने एक बयान दिया था कि डेंगू से मौत नहीं हो रही है, जबकि डेंगू से लोग घबरा रहे हैं इसलिए उनकी मौत हो रही है। वहीं सांसद द्वारा दिए गए इस बयान के विरोध में आज मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी और अन्य सपा कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन मिनी मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर को सौंपा, जिसमें उन्होंने सांसद के बयान पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। समाजवादी मुलायम सिंह ब्रिगेड उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया है। अलीगढ़ के सांसद 8 तारीख में बजौता गांव पड़ता है, खैर तहसील में, वहां जाते हैं और साथ में सीएमओ अलीगढ़ भी होते हैं और खैर तहसील के एसडीएम भी मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में एक बयान देते हैं कि अलीगढ़ में या उत्तर प्रदेश में जो भी मौत हो रही है डेंगू द्वारा, वो डेंगू की मौत नहीं हो रही, वो मौत है घबराहट से। जबकि हम एक बात कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये कहा है कि डेंगू लगातार बढ़ रहा है और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं और प्रशासन भी पुष्टि कर रहा है कि लगातार डेंगू बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन लगातार डेंगू की पुष्टि कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं सतीश गौतम, उन्होंने बेतुका बयान देकर ये साबित किया है कि गैर जिम्मेदार होने का साबित किया। क्या डिमांड रखी है आपने? हम ये डिमांड रखते हैं, हमारा ज्ञापन राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है, ये ज्ञापन वो पहुँचा है। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भी एक ज्ञापन दिया है उपसंख्यक आयोग से संबंध में, तो उसको उनका जो ज्ञापन है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पहुँचा। लखीमपुर में बाघ का आतंक है, जहां खेत में गन्ना छील रहे एक किशोर को खेत में ही छिपे बैठे बाघ ने निवाला बना लिया। किशोर को अपने पंजे में दबाकर बाघ काफी दूर तक ले गया और ग्रामीणों के शोर मचाने पर शव को छोड़कर गन्ने में लुप्त हो गया। बता दें कि सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस बल और वन विभाग के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। प्रयागराज के हंडिया में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात गुरुवार देर शाम की है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने पीछे से युवक की पीठ में गोली मारी और वह वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसे हंडिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने चार नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि हंडिया थाना क्षेत्र के मुंगराव गांव का मामला है। थाना हंडिया क्षेत्र की घटना है। आज पुलिस को लगभग 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि शशांक सिंह नामक व्यक्ति का को एक बाइक सवार ने पीछे से गोली मार दी है। तत्काल पुलिस टीम द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा भी घटना का निरीक्षण स्थल किया गया है। अब तक की पूछताछ में परिजनों का यह आरोप है कि चुनावी रंजिशी को लेकर के इनके ऊपर फायरिंग की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है, जिसमें उन्होंने चार लोगों को नामजद किया है व एक व्यक्ति को अज्ञात के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। लूट के इरादे से दिन दहाड़े हथियार बंद चार बदमाश घर में घुसे थे, लेकिन परिवार वालों के शोर मचाने पर शातिर बदमाश मौके से फरार हो गए। भागते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पूरे मामले में अब पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटना ये हुई है, 3:30 बजे का टाइम था और वो चारों यहाँ खड़े हुए थे। चारों के हाथ में पिस्टल थी। जैसे मैं, हमारी सास को दबा रखा था उन्होंने, मैं आई जीने पर उतर के, मैंने देखा उन्होंने बाहर की कुंडी लगा दी थी। अब मैंने जाकर ये शोर मचा कर बाहर का दरवाज़ा खोल दिया तो एक ने, तीनों मरते हुए यहाँ से हट के वो मेरे पीछे पड़ गए और पिस्टल जैसे चलाने को हुए तो वो मिस हो गई, कार्टेज में ही निकला पड़ा था। गाजियाबाद में थाना मुरादनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक वांछित लुटेरा गिरफ्तार हुआ है। थाना मुरादनगर पुलिस ने खीमावती लिंक रोड पर चेकिंग के दौरान रोका तो मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से खीमावती लिंक रोड पर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा, जिसके बाद थाना मुरादनगर टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। जब मुरादनगर पुलिस रावली चौकी पे संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी, तभी दो अज्ञात एक मोटरसाइकिल पे संदिग्ध तरीके से वहां पे आए। उनको पुलिस ने रोकने का ट्राई किया, तब वो रावली से लिंक रोड्स की तरफ भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया, दोनों तरफ से घेर लिया, तभी उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। पुलिस ने स्वसंरक्षणार्थ उनके ऊपर जवाब देते हुए फायरिंग की, जिसमें कि एक के दाहिने पैर पे गोली लग गई।
गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां मुठभेड़ के बाद तीन शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां दो बदमाशों को गोली लगी है। इसके साथ ही पकड़े गए बदमाशों पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, लूटी गई चेन और बाइक बरामद की गई है। बता दें कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। के उद्देश्य से थाना सिहानी गेट क्षेत्र में आज रात्रि को जो है चेकिंग की जा रही थी, तभी लगभग 2:15 बजे एक बाइक पर तीन व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वे रुके नहीं बल्कि पुलिस पर फायर करके भागने लगे। पुलिस के द्वारा तत्काल ही सूझबूझ का परिचय देते हुए तथा अपना बचाव करते हुए उन पर जवाबी फायरिंग की गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।